तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, मैं आ चुका माइनक्राफ्ट का एक नया एपिसोड लेके। तो गाइज, इस एपिसोड में मैं बनाने वाला हूँ बैम्बू फार्म, क्योंकि गाइज मुझे बैम्बू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी अभी आगे चल के। तो मैं सोच रहा हूँ गाइज, जब तक कि मैं बैम्बू फार्म भी बना लेता हूँ, और गाइज मैंने पिछले वीडियो में बनाया था ये वुड फार्म, तो गाइज ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ अगर थर्ड पर्सन में खुल सके तो, क्योंकि मैं थर्ड पर्सन उतना चलाता नहीं हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं, मैंने इसमें एक ट्री काटा था जिसमें मुझे 9 सैपलिंग मिली और 61 वुड लॉग मिले हैं मुझे। मैंने पूरे वुड लॉग इसमें डाल दिया था, मैंने अपने पास नहीं रखा हूँ। तो गाइज मैं सोच रहा हूँ आज फार्म बनाने के लिए, वो भी बैम्बू फार्म। तो गाइज मैंने उसकी पूरी तैयारी करके रखा हुआ हूँ, मैंने नेदर से जाके कुछ कोर्ट्स लेके आया हूँ ऑब्जर्वर बनाने के लिए, और गाइज कुछ रेडस्टोन भी माइन करके रखा हूँ मैंने उसको बनाने के लिए। तो चलिए गाइज, मैं उसको बनाना स्टार्ट करता हूँ। पहले उस लोकेशन में चलता हूँ जहाँ मेरे को उसको बनाना है। तो चलिए गाइज, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ अब। तो हेलो गाइज, मैंने जो फार्म बनाना है गाइज, वो मुझे मैं यहाँ बनाने वाला हूँ, इसी के जस्ट साइड में। तो गाइज उसके लिए मुझे, मैंने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करके रखा हूँ, जैसे कि गाइज मुझे जितने भी ऑब्जर्वर बनाने हैं उसके लिए मैंने गाइज कोर्स इकट्ठा कर लिया हूँ, रेडस्टोन माइन करके लिए आया हूँ, और कुछ पावर रेल बना लिया हूँ। पावर रेल तो अभी इसमें ज़रूरत नहीं है गाइज, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो के लिए मैंने इसको इकट्ठा करके रख लिया था इसमें। और कुछ लाइटिंग है और कोबल स्टोन है जिससे मैं गाइज बनाने वाला हूँ ऑब्जर्वर और पिस्टन। और उससे पहले गाइज मुझे कुछ बिल्डिंग ब्लॉक चाहिए, और गाइज मैं जो डेजर्ट वाइन मैंने ढूंढा था गाइज, मैंने वहाँ से कुछ सैंड लेके आया था, और मैंने उन सैंडों को गाइज पूरा ग्लास में कन्वर्ट कर दिया हूँ। तो मैं यहाँ से गाइज 2 या 3 स्टेक के समथिंग मेरे को ग्लास भी लगेंगे, और यहाँ से मैं रख लेता हूँ गाइज 4 स्टेक के समथिंग स्टोन, जिससे गाइज मैं इससे बना लूँगा स्टोन ब्रिक्स। तो मैं पूरे के स्टोन ब्रिक्स बना लेता हूँ पहले। तो चलिए गाइज मैं इसको बनाना स्टार्ट करता हूँ। उसके लिए पहले गाइज मैं यहाँ पे होपर बना लूँ, और मुझे गाइज इससे बनाने हैं पूरा प्लैंक्स, तो मैं इससे प्लैंक्स बना लेता हूँ पहले। और अब मुझे बनाने हैं गाइज समथिंग 10 होपर्स, 10 से ज़्यादा ही लगेंगे, तो अभी तो मैं 10 बना लेता हूँ पहले। तो गाइज मैं सोच रहा हूँ मैं उसको यहाँ बनाऊँगा, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे चेस्ट लगा देता हूँ। तो मेरे को उसको पूरा जो कलेक्शन है उसको मैं साइड में रखूँगा, या सेंटर पे भी रख सकता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ सेंटर पे रख देता हूँ, मैं इसे कवर कर देता हूँ वापस। तो मैं उसको यहाँ कहीं पर रख देता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर सेंटर मान लेता हूँ गाइज, मैं यहाँ पर इसको बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं चेस्ट लगा देता हूँ, और यहाँ से गाइज मैं 5-5 ब्लॉक दोनों साइड से खोद लेता हूँ। तो गाइज ये कलेक्टिंग एरिया बन चुका है, अब यहाँ पे गाइज जो है अपने शुगर केन उगेंगे, तो मेरे को इसके एक ब्लॉक पीछे से रखना स्टार्ट करना है। तो मुझे इसको यहाँ से रखना है, क्योंकि यहाँ पे गाइज मैं पिस्टन रखूँगा और उसके ऊपर ऑब्जर्वर आएंगे, तो मैं यहाँ से इसको बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो गाइज मैं साथ में सोच रहा हूँ लगे हाथ पिस्टन ही बना के लिए आता हूँ, तो मैं जल्दी से पिस्टन बना लेता हूँ। तो गाइज अभी 21 बना लिया हूँ मैंने, इसी से मैं अभी करता हूँ, बाकी मैं बाद में बना के लगाते जाऊँगा धीरे धीरे। और ऑब्जर्वर भी बनाना, तो मैं ऑब्जर्वर भी साथ में लगे हाथ बना लेता हूँ। तो 64 में ये रख लेता हूँ, और 64 इसको भी रख लेता हूँ, और थोड़े से इसको रखना पड़ेंगे मुझे। तो ऑब्जर्वर बनाना आसान है, ऑब्जर्वर यहाँ से ही बन जाएगा वैसे, तो मैं इससे बना लेता हूँ पहले जल्दी से पूरा ऑब्जर्वर। तो गाइज मैंने ऑब्जर्वर भी बना लिया हूँ, अब मुझे यहाँ पे पिस्टन लगाना स्टार्ट करना है। मैं गाइज बैम्बू तो बाद में लगाऊंगा, पहले मैं यहाँ पिस्टन लगा देता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पे पिस्टन पूरे लगा दिए हूँ, अब मुझे इसके पीछे गाइज पूरे में लगाने हैं ब्लॉक्स, जिससे इससे कनेक्शन मिल सके। तो इसके ऊपर गाइज मुझे अभी चढ़ के इसके ऊपर ऑब्जर्वर भी लगाने हैं, जिससे इसको कनेक्शन मिल सके और ये काम करें। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग अच्छी रहती है, इजीली लग जाती है और तोड़ने में भी आसान होती है, तो मुझे यहाँ पे लगाना है इसको। और मैं रेडस्टोन लाना भूल गया हूँ आई थिंक, हाँ तो वहीं पर रखे हैं पूरे रेडस्टोन, तो मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ।
और शायद से मैं गलत कर रहा हूँ क्योंकि सेंटर वाला काटेगा तो गाइस ये इसमें आएंगे ही नहीं, तो मुझे यहाँ पे सेंटर पे छोड़ना पड़ेगा जगह। तो मैं इसको दोनों को तोड़ के हटा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लाइटिंग कर दूंगा, यहाँ पे कुछ भी कर लूँगा मैं, तो इसको मैं बाद में देखूँगा। अभी पहले मैं बाकी के ऊपर कनेक्शन कर देता हूँ यहाँ पे जल्दी जल्दी। तो गाइस एक लेयर तो समथिंग कंप्लीट हो चुकी है, मुझे इसके आगे जो है पूरे ग्लास लगा देने हैं और मैं सेट तो गाइस ब्लॉक लगा कवर करूँगा। तो पहले मैं यहाँ पे पूरे ग्लास लगा देता हूँ जिससे गाइस जो भी बेम्बू जो कटेंगे वो इसी में आके गिरेंगे सीधे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो मुझे इसका सिर्फ यहाँ तक लगाना है और मैं इस साइड से गाइस सोच रहा हूँ कोई दूसरे ब्लॉक लगा दूँ या फिर मैं कोई और ब्लॉक ही से कवर कर दूँगा इसको मैं। तो गाइस मैं डर्ट लेके आ चुका हूँ, मुझे डर्ट को गाइस कुछ इस प्रकार से लगाना है और मेरे को ये पीछे डर्ट जो है मैं गाइस तोड़ सकता हूँ इजीली। और यहाँ पे तो वैसे मेरे को कुछ नहीं लगाना है, तो मैं इसके ऊपर भी लगा सकता हूँ, नहीं तो ये एक ब्लॉक पीछे खिसक जाएगा। तो नहीं मैं एक काम करता हूँ यहीं पर लगा देता हूँ। और अब गाइस मुझे सेम इसके ऊपर भी वैसे पिस्टन लगाने हैं पूरे और इसके ऊपर भी गाइस सेम वैसे ऑब्जर्वर आएंगे पूरे और ऐसे करके गाइस पांच लेयर बनानी है मुझे। तो मैं जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करता हूँ, पूरी पांच लेयर कंप्लीट करने के बाद मिलता हूँ मैं आपसे। मैं इसमें बैम्बू सबसे लास्ट में लगाने वाला हूँ। तो हेलो गाइस मैंने इसको पाँच लेयर ऊपर तक बना दिया हूँ और अब मुझे गाइस इसमें थोड़ी लाइटिंग करनी पड़ेगी जिससे गाइस इसमें मॉब स्पॉन ना हो और साथ में मुझे गाइस इसमें बाम्बू लगाने हैं। तो मैं इसमें बाम्बू लगाते हुए नीचे से ऊपर से लाइटिंग करते हुए आता हूँ, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है तो मैं इसको जल्दी जल्दी कर लेता हूँ अब। तो हेलो गाइस फाइनली मैंने जो है इसको पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ और गाइस मैं इसके चारों तरफ वूल लगा दिया हूँ क्योंकि ये ब्लॉक मेरे को नहीं लगाने थे, अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मैं इसके चारों तरफ ब्लॉक लगा दिया हूँ, ब्लॉक बोल रहा हूँ वूल लगा दिया हूँ पूरी वाइट वाली। और गाइस अगर अच्छा नहीं लगेगा तो गाइस इसके पीछे भी कवर कर सकता हूँ इसको एक लेयर लेके, वही वूल से कवर कर दूंगा मैं, ब्लैक वाली वूल, मेरे पास वूल बहुत सारी है। तो गाइस अभी पूरा कंप्लीट हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ, चेस्ट में आना भी शुरू हो गया होगा। तो गाइस देख सकते हैं आप 41 आ चुके हैं इसमें अभी तक के और ये कंटिन्यू गाइस मैं इसके आसपास रहूँगा तो ये काम करता रहेगा और इससे मुझे अनलिमिटेड अब बैम्बू मिल सकते हैं। तो गाइस इससे मैं स्कैफोल्डिंग भी बहुत सारी बना सकता हूँ। तो गाइस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना और मैं मिलता हूँ आपसे गाइस नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम बनाने वाले हैं शुगर केन फार्म और गाइस वो शुगर केन फार्म जो है वह बहुत बड़ा होगा क्योंकि गाइस वो यहाँ पर ऐसा पूरा नीचे ही बनेगा। मैं इसको ऑब्जर्वर के द्वारा नहीं बनाऊंगा उसको, मैं उसको कोई नई टेक्निक से बनाने वाला हूँ। तो आप वो वीडियो को जरूर देखना, मैं चलेगा तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।